Life is slowly limping back to normalcy with some relaxation in place in Jammu city. At many places, the shops have started gradually opening up, though many are still closed with no clear official announcement regarding the lifting of curfew or relaxations. Heavy contingent of security personnel are still seen on the roads, though concertina wires have been taken off. Public transport remains off the road and educational institutions are still closed. Though the people in Jammu have welcomed the abrogation of Article 370. जम्मू में बिल्कुल हालात सामान्य हैं, वैसे भी सामान्य थे, मगर हमने कल भी दुकानें खोली थी और आज भी खोली हैं। लोग यहाँ पे बहुत खुश हैं, धारा 370 टूट रहे हुए हम लोग बहुत खुश हैं। और हमारी जो टूरिस्ट लाइन है, ये पहले बहुत प्रभावित थी इससे, दफ़ा 370 से, मगर अब टूटने से कश्मीर के हालात भी ठीक हो जाएंगे और यहाँ पर टूरिज़्म को और बढ़ावा मिलेगा। कोई पुलिस वाला तंग नहीं कर रहा, कोई आर्मी वाला तंग नहीं कर रहा, वो हमें पूरा कॉर्पोरेट कर रहे हैं। मान्य चल रहा है, बाज़ार सब खुला हुआ है, इसमें कोई नहीं है। मोदी ने जो किया बहुत अच्छा किया है, दोनों जो दफाएं तोड़ी हैं बहुत अच्छा किया है, J&K के लिए बहुत अच्छा काम किया है। बाकी नॉर्मल है, सब कुछ नॉर्मल है, कोई ऐसी गड़बड़ नहीं है। खाने का भी मिल रहा है, पीने का भी मिल रहा है, यात्रु आम आ रहे हैं लोग। देखिए 147 जो लगा था कश्मीर का थोड़ा सा मसला था, वो हल हो गया हमारे लिए, उसमें हमें कोई परेशानी नहीं है। अब तो बिल्कुल साफ है, जम्मू में कोई ऐसी परेशानी भी नहीं है, खुलना चाहिए बिल्कुल, कोई परेशानी थोड़ी है। हमें तो खुश है कि 370 तो टूटी है, 70 साल के बाद मोदी जी ने जो कि देश के लिए किया, ऐसा कोई भी मुल्क का आदमी, कोई भी प्रधानमंत्री पहले 70 साल जिसने लूटा है अपने हिंदुस्तान को, कश्मीर को, वो प्रभाव ख़त्म हो गए हैं। हम चेताली किया बिल्कुल जम्मू कश्मीर को साफ है और बिल्कुल साफ होना चाहते हैं, कोई भी इसमें गड़बड़ी होने को तैयार नहीं है। हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई, सब मिलजुल कर रहने के लिए हम लोग तैयार हैं। और कश्मीर वाले भी यही, अब तो कश्मीर वाले भी चाहते हैं कि जो दफ़ा ख़त्म हुई है इसके बदले में हम सब खुश से, हमें बहुत खुशी हुई है, हम 70 साल के बाद आज़ाद हुए हैं। ये जो 4-5 दिन का कारोबार हमारा बंद रहा, इससे कोई फ़र्क नहीं हमें पड़ने वाला। सब जगह श्रीनगर में भी नॉर्मल दिखा रहे हैं, सब कुछ दिखा रहे हैं, इसलिए कोई घबराने की कोई वो बात नहीं है। Thank you.